देखिए मैं सबसे पहली चीज़ तो बताऊं कि ये जो हमारे यामिन भाई है ना, हम इनसे आज से ही बनवा रहे हैं और एक अच्छे से बनवाते हैं, और इनके ऊपर मुझे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ होता है, इनके ऊपर यकीन होता है कि यार ये खाना माशाल्लाह सही बनाते हैं और सारी चीज़ें किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, सबने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तारीफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना व मौलाना मोहम्मदन माहवालू, अस्सलामु अलैकुम। तमाम वाई टी फैमिली को खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम जी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जी 200 अफराद के खाने की रेसिपी। तो 200 अफराद का जो खाना हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या जी तैयार होगा, तो ये सब जो हम आपको स्टेप बाई स्टेप जी हम बताएँगे। तो जी 200 अफराद के खाने में जी हमारे पास है जी क्रीम कॉकटेल। तो ये क्रीम कॉकटेल ये देख सकते हैं आप लोग, इस टाइम जो ये बन रहा है 200 अफराद का खाना है। 200 अफराद के खाने में जी हमारे पास क्रीम कॉकटेल बन रहा है, बीफ बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है। ये सारी जो है चीज़ें जो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब जैसे हम चीनी शामिल करना है, इससे पहले जो है हमने शामिल की थी जी दूध में क्रीम। ये देखिए जी चीनी इसमें शामिल हो गई है। 200 अफराद का प्रोग्राम का जो हमारे पास ऑर्डर है, तो इसमें जी हमारे पास बीफ बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मीठे में जी हमारे पास क्रीम कॉकटेल, जो कि ये अभी मैं आपको जी बनता हुआ दिखा रहा हूँ। दूध शामिल करा, दूध में फिर हमने शामिल करी जी क्रीम। क्रीम शामिल करने के बाद इसमें हमने चीनी शामिल करी है। चीनी को इसमें हम अच्छे से जी हल कर लेंगे, देख सकते हैं आप लोग चीनी जो है इसमें अच्छे से जी हल भी की जा रही है, साथ ही जो है कबगीर भी जो है इसमें चलाया जा रहा है। आइसक्रीम पाउडर है ये, तो इसको जी हमने अच्छे से जी इसको हम हल कर लेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं जी इसको जी अच्छे से जी हल किया जा रहा है इसमें। इसमें ये आप लोग देख सकते हैं जी मुस्तकिल इसमें कबगीर भी चलाया जा रहा है। जैसे हमारे दूध में अच्छा सा जी उबाल आएगा, तो उसका फिर इसमें हम जो हमने मैंने आपको दिखाया था आइसक्रीम पाउडर, वो फिर इसमें हम शामिल करेंगे। आप लोग जो है इसकी थिकनेस वगैरह भी जो है चेक कर सकते हैं। चूल्हा भी जो इसका बन गया है, इसको चूल्हे से उतारेंगे, तो एक पतीले में हम रखेंगे ताकि ये हो जाएगी। पानी भी पतीले पानी शामिल करके इसको हम देख को हम पतीले में हम रख देंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख जो हमने पतीले में रख दिया और ये पानी जो है पतीले में शामिल हो रहा है ताकि जी ये ठंडी हो जाए।
बाद में इसमें बर्फ़ बर्फ़ लगेगी, बर्फ़ लगा के ठंडी की जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पानी इसमें जी शामिल किया गया है। पतीला में देख शामिल है तो 2 से 3 दफ़ा जो है पानी जो हम चेंज करेंगे ताकि जी देख जो है ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं अभी भी जो है जी स्टीम जो है आ रही है, निकल रही है। तो एक गोश्त जो हमने इसमें शामिल कर दिया, 3 देंगे बिरयानी की हैं और 3 देंगे हमारे पास कढ़ाई की। तो ये आप लोग ये देखिए जी मसाला जो इस टाइम जो है शामिल किया जा रहा है और साथ ही जो है हमारा कढ़ाई का जो टमाटर है वो जो है इस टाइम जी भुना जा रहा है। ये देखिए जी कढ़ाई का टमाटर, तो ये देखो जी हमारी बिरयानी का 3 देखो गोश्त आ गया और बाकी जो ये देख सकते हैं ये 3 देख कढ़ाई की है। तो कढ़ाई का जो टमाटर है तो उसका भी मसाला भी भुना जा रहा है और ये आ गया ये हमारी बिरयानी। ये अदरक इसमें हम शामिल कर रहे हैं, देखिए ये अदरक इसमें हमने शामिल कर दिया और साथ ही अब हम इसमें जी लहसुन उसमें हम शामिल कर रहे हैं। ये देखिए जी कुछ ही टाइम के बाद जी मैं आपको गोश्त दिखाता हूँ जी, गोश्त हमारा कितना अच्छे तरीके से जी टेंडर हो रहा है। जब बोटी हमारी हल्की सी जी रह जाएगी गलने के लिए तो फिर इसमें हम इसमें शामिल करेंगे जी पिसी हुई और जी कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखिए जी पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अब इसमें हम दोबारा से जी कभी चलाएंगे ताकि जी मिर्च जो इसमें अच्छे से जी मिक्स हो जाए। तो कुछ ही टाइम के बाद में हमारा जो गोश्त है ये बहुत ही अच्छी तरीके से जी टेंडर हो जाएगा, यानी कि जी एक एक बॉडी जी हमारी गल जाएगी। साथ ही वो हमारी जो कढ़ाई का जो मसाला तैयार कर रहे थे तो वो हमारा जी तैयार है, वो भी मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए जी दूसरी बॉडी में आपको दिखाऊंगी, देख रहे जी जब गोश्त में हल्की सी कसर रहती है तो फिर जो है अब इसमें से हम मिर्च लगा ले रहे हैं। और ये देखिए जी मैं दिखाऊं मैं आप लोगों को अब जो है कढ़ाई का मसाला जो टमाटर का जो हम भून रहे थे ये कितने अच्छे तरीके से जी ये देख सकते हैं आप लोग भून चुके हैं। उसको हम फिर 3 देखो मैं सब्जी बनाएंगे चिकन शामिल करके जो है कढ़ाई की जो भुनाई है वो भी हम दिखाएंगे क्या क्या मसाला डालेंगे तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी जो शादी हाल में जो हमारे होम टाउन है और जी टिक्का तो वो भी जो मैं आपको शादी हाल में जाके दिखाएंगे। तो वापस जो है हम इस पर बर्तन से हम कवर कर देंगे, देखिए बर्तन से हमने कवर कर दिया उसको। अच्छा जी ये देखिए कढ़ाई का मसाला जब हमारा भुन गया तो इसमें हमने फिर चिकन शामिल करी, चिकन शामिल करने का हमने हल्दी शामिल करने का इसमें हम जो है कुटी हुई जी लाल मिर्च में हम शामिल कर रहे हैं। याद रहे हमने एक ही देग में हमने कढ़ाई का मसाला तीनों देगों की कढ़ाई का मसाला हमने एक ही देग में बनाया था, उसका फिर हमने 3 देगों में मसाले को तकसीम कर दिया। इस पर हम जो है चिकन जो है सारी चीज़ें जो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अब हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं, नमक हसबे जायका ये देखिए। साथ ही जो है हाल में जी मैं आपको दिखाऊँगा जी चिकन टिक्का और वॉन्टन, तो इसमें हमने टमाटर में हमने लहसुन और अदरक जो हमने दोनों इसमें शामिल किए हुए थे जिसमें वह मसाला जो हम भून रहे थे इसको हम करेंगे जी मिक्स। फिर इसकी जो भुनाई का तो मैं आपको दिखाता हूँ जी इसकी फाइनल जो है प्रिपरेशन। तो साथ ही जो ये बिरयानी का जो गोश्त है वो देखिए जी ये 2 देग बोरी 1 देग बोरी ये रायते के लिए और बिरयानी में जी ये दही जो शामिल होगा। साथ ही हमारे लज्जत कड़ा पकवान के ऑनर हैं मोहम्मद यामी नमानी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी सारे खाने जिनकी ज़ेर निगरानी ज़ेर सरपरस्ती में जी खाने तैयार किए जाते हैं। ये देखिए जी कुछ ही टाइम के बाद ये हमारी कढ़ाई की जो रंगत है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी 3 देखें हमारी कढ़ाई की चिकन कढ़ाई बीफ बिरयानी चिकन कढ़ाई ग्रीन कॉकटेल चिकन टिक्का और वन टॉम ये हमारे पास तैयार हो रहा है। ये देखिए जी चिकन कढ़ाई आप लोग देख। अच्छा जी याद रहे जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ हर दफ़ा लज्जत कड़ा पकवान पे जो भी खाने तैयार किए जाते हैं
उन खानों में जी अजीना होती है, यानी कि जी चाइनीज सॉल्ट वो शामिल नहीं होता है। ये आप लोग देख सकते हैं जी, ये देखिए आप लोग हमारे लज्जत का पकवान के ऑनर हैं जी मोहम्मद यामीन रहमानी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तमाम खाने जी अपनी ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर निगरानी में जी तैयार करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम जी कढ़ाई जो है ये तैयार की जा रही है। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊँ बिरयानी, तो साथ ही जो है मैं आपको दिखाऊँ जी ये देखिए कि बिरयानी के जो टमाटर हैं वो जो है काटे जा रहे हैं, और साथ ही ये इसमें जी मशीन जो है चलाई जा रही है, विप की जा रही है ताकि कोई जो है गुठली जो है इसमें ना रहे। तो बल्ब लगा के रखी हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम। चिकन कढ़ाई जो है ये हमारी तकरीबन जी तैयारी पर है। अच्छा जी तो ये देखिए नमक हल्का सा कम था तो ये हमने डाल दिया। ये देखिए बासमती राइस है, उसको जब हम कुक कर रहे हैं, ये देखिए एक देख दूसरी देख तीसरी देखिए हमारी तैयार है, बाकी हमारी बिरयानी 1 2 3। अब हम जी उसको जी दब पे लगाएंगे। फिर इसमें जी एक देख हम उसमें बराबर से तीनों देखों में हम शामिल करेंगे। देखिए तीन देखें बिरयानी के हमारे पास 1 2 3 1 2 3 देखे हमारे पास कढ़ाई की है, ये आप लोग देख सकते हैं इस टाइम। तीनों देगों में जिनमें चावल डाल लिया, अब हम इसमें जी फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए तीनों देगों में हमने फूड कलर इसमें शामिल कर दिया है, और बाकी का चावल है इसको जब हम जो है पानी से जब हम अलग कर रहे हैं। ये देखिए जी जनाब चावल भी मैं आपको दिखाऊं, चावल को जो मिलाया जा रहा है जिसके टाइम इसमें शामिल करिए, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी जो चावल है वो अभी भी हमारा जी निकल रहा है, ये देखिए जी। ये देखिए इसमें हमने क्रीम कॉकटेल में हमने आइसक्रीम डाली है, तो उसको जो है हम मशीन चलाएंगे ताकि इसमें जी अच्छे से जी हल हो जाए आइसक्रीम, और जो हमारी जो क्रीम कॉकटेल में गुटलियाँ हैं वो भी जो है हल हो जाए। ये देखिए आइसक्रीम में वनीला फ्लेवर है, और साथ ही जी ये हमारी जो बिरयानी है इसको जब हम दम पे लगा रहे हैं, ये देखिए जी आप लोग एक एक करके जी हर देख को जी हम दम पे लगाएंगे। ये देखिए जी पहली देख हमने दम पे लगा दी, बाकी की जो दो देखें इनको भी अब हम जो है दम पे लगाएंगे। ये देखिए जी एक एक करके जी हम तीनों देखो हम दम पे लगा देंगे, दूसरी देख लगा दीजिए, तीसरी देख भी जब हम दम पे लगा देंगे। ये देखिए क्रीम कॉकटेल जो है हमारा जो है अच्छे तरीके से जी बन चुका है, तो अब इसमें हम मिक्स फ्रूट इसमें शामिल कर रहे हैं। टिन पैक में जो आता है मिक्स फ्रूट वो इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी चमचम रंग बिरंगी छोटी छोटी सी, ये देखिए चमचम जो इसमें शामिल की जा रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी ड्राई फ्रूट में जी हमारे पास किशमिश, काचो मगज, इंजीर, बादाम, काजू और जी छुआरा, तो सबकी कटिंग हमने इसमें शामिल करी है। बाकी जो है फिर हम जो है हाल में जी गार्निशिंग करेंगे, तो इसके लिए जी हम ये रोक लेंगे, ये देख रहे हैं जी आप लोग। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी चॉकलेट दाना ब्राउन कलर और वाइट कलर में,
ये देखिए जी, ये आ गए जी वाइट कलर में। अब हम कबीर से जी इसको अच्छे से जी मिक्स करेंगे ताकि जी तमाम लवाजमात जो है क्रीम कॉकटेल में जो है अच्छे से जी मिक्स हो जाए। ये देखिए जी। अच्छा जी, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो इसकी, तो मैं आप लोगों को जिसकी क्रीम कॉकटेल की जो रेसिपी है वो वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जो है आप लोग देख भी सकते हैं। और भी जी मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जी आप लोग जी वो वीडियो भी जो है देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जी आप लोग उसकी थिकनेस वगैरह। तो ये आइसक्रीम फ्लेवर में जी तैयार किया जाता है। ये देख, आप लोग लाजमी जी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएगा कि जी आप लोगों को जो है हमारे आज का जो क्रीम कॉकटेल है वो जी कैसा लगा। तो अभी जो मैं आपको बिरयानी का जब दम खुलेगा तो वो भी जो है मैं आप लोगों को जी दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब हम जो है कढ़ाई में जी हम मसाला जो है शामिल करेंगे। एक देख दूसरी देख और वो तीसरी देख, ये जी कढ़ाई का जी स्पेशल मसाला। तो ये अब हम जी इसमें शामिल करना है। वैसे हुए हम किसी देख में भी जो है शामिल कर देंगे। और साथ ही अभी बिरयानी भी जो मैं आपको दिखाऊंगा जब इसका दम खुलेगा बिरयानी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा जो है फाइनल हो गया है मीठा हमारा। तो हमने जो पानी था वो ठंडा हो गया था, वो हमने फेंक दिया, वापस जो हमने बर्फ़ लगाई है। और ये देखिए आप लोग, चले जी अब मैं जो है आप लोगों को जी बिरयानी चेक कराता हूँ। ये देखिए जी, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये है जी हमारी पहली देख बिरयानी की, मैं आपको चेक करा रहा हूँ। इस पूरी जो है देख हम नहीं खोलेंगे ये, ठीक है। तो एक साइड से जी मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ, क्योंकि फिर जो है हम शादी आन जाएंगे तो फिर जो है फिर मैं एक साइड से हम कर देंगे, तो वहाँ की जो वीडियो भी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखिए जी, ये आ गई जी हमारी तीसरी और आखिरी देख। ये देखिए जी तीसरी देख हमारी, एक एक दाना जी हमारा जी बिल्कुल माशाल्लाह से खिला खिला है। देख रहे जी, ये रहिए जी, ये खाना जी हमारा लोड हो गया। ये रायते की बाल्टी, मीठा रोटी ताफ्तार, और ये देखिए अब हम जी खाना लेके चल जा रहे हैं जी शादी हाल, तो वहाँ मिलते हैं जी आपसे। अच्छा जी, ये हम पहुँच गए जी शादी हाल, ठीक है। ये खाना उतर रहा है हमारा, तो ये एक एक करके जी ये तमाम खाने जी ये उतर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा सालाना जी है, ये हमारा ये जी मीठा, बाकी वहाँ से जी बिरयानी जो है हमारी आ रही है। ये देखिए, ये खाना जी हमारा आ गया, ये मीठा, ये बिरयानी, ये तीन देखिए और वो कढ़ाई की, बाकी वो रोटी ताफ्तर हमारा की है, बाकी मैं आपको टिक्का वगैरह दिखाता हूँ अभी। ये देखिए टिक्का जो है ये हमारा जी इस टाइम जो सीख रहा है, ये देख रहे हैं। अच्छा जी, ये वॉन्टन, ये एक प्लेट में, ये दूसरे प्लेट में वॉन्टन है, ये बाकी ये हमारे जो टिक्के हैं ये सीख रहे हैं इस टाइम। चिकन बिहारी बोटी, बिहारी टिक्का भी बोल सकते हैं, बिहारी बोटी भी बोल सकते हैं। ये देखिए, अच्छा जी ये देखिए जी, जो लोग कराची से वाबस्ता हैं बिलखसूस मलिर, तो मलिर में जी ये हॉल है बागो बहार, ठीक है। तो बागो बहार में जी हमारा प्रोग्राम है, ये देखिए मैं फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखिए बागो बहार लॉन है, ये मलिर वाले जो हैं उनको मालूम होगा बागो बहार लॉन। तो ये एयरपोर्ट के साथ है, ये सामने ये रोड, ये देखिए ये सामने पूरा एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट है सामने। ये देखिए निशादी आल बागो बहार हमारा प्रोग्राम है, ये है जी लॉन एम है,
ए और बी इसके पोर्शन है। बाकी जो हमारे वॉन्टन है वो जो फ्राई होंगे तो वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखिए इस टाइम जो है टिक्का हमारा सिक रहा है, इसको हाफ बंद करके रखेंगे, जब पार्टी खाने का बोलेगी तो उस टाइम फिर हम जो है शुरू करेंगे। ये वॉन्टन आ गए हमारे, ये बाकी ये किचन आ गया जहाँ पे हमारा खाना है रखा हुआ है, यहीं से जो खाना हमारा सर्व होगा। ये देखिए हमारा आज ये हाफ डन है, उसमें शादी बराबर है, हाल में जी बारात भी आई हुई है तो उसके जो है ढोल धमक के भी बज रहे हैं। ये देखिए वॉन्टन अभी हमारे फ्राई हो रहे जो है ये हमारे जो इस टाइम की फ्राई हो रहे हैं। अच्छा जी ये सलाद आ गई ये जी, और यह आइए जी रायता, ये देख सकते हैं जी रायता, और साथ ही ये देखिए जी ये रायते हॉल में निकाल के रखे मैं सलाद। बाकी ये आ गया जी हमारा ये किचन, ये देखिए जी हमारी अब जो है खाना सर्व हो रहा है, ठीक है जी। और ये वॉन्टन जी हमारे आ गए, और ये देखिए जी मीठा मीठा जो मैंने कहा था जी गार्निशिंग जिसको अलग से अलग होगी मिल जाएगा। ये देखिए जी अब आ गए जी हमारी बिरयानी, दो भर रहे मीठे बिरयानी जब हमारी शेफर डिशों में जी निकाली जा रही है। ये देखिए ये टिक्के भी आ गए जो मैंने आपको बाहर दिखाए थे, ये देखिए जिससे पहले वॉन्टन आए थे सब भरा है, टिक्को सब वॉन्टन भरा है, चार दूंगा मिठाई का पंजा। ये देखो ये देखिए टिक्के ये टेबल के लिए देख रहे हैं जी आप लोग बीफ बिरयानी, और दाना भी देख सकते हैं जी एक एक दाना जिसका चावल का हमारा खिला खिला है।
ये लगेगा जी हमारा बुकों पे टेबल पे भी है, ठीक है। और ये रही जी ये वीआईपी टेबलों के लिए, ये आ रहे वीआईपी जो टेबलें लगी लग रही हैं, ये उनके लिए जी ये लग रहे हैं जी। चले पाँच मिनट अलग से। और आशो ये देखिए जी वीआईपी टेबलों के लिए भी ये निकल गया, जो बाकी जो बुफे लगे हुए हैं तो उनके लिए भी जो है खाना लग चुका है। अब जो जो वीआईपी होते हैं टेबलें लगती हैं तो ये उनके लिए जी ये खाना जी ये अलग करवा रहा है। ये देखिए जी सभी जी गार्निशिंग हो रही है। आप लोग ये देखिए तो ये बारबेक्यू है, तो ये जो है लाइव ही चलते हैं ये वनटॉन। चलें जी खाने के हवाले से जी कस्टमर से जी लेते हैं जी रिव्यू, उनके जी क्या तासुर आते हैं खाने के हवाले से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम लेते हैं जी रिव्यू खाने के हवाले से। तो जी सईद भाई खाना के हवाले से बताइएगा, कोई परेशानी कोई हमारी तरफ से कोई शिकायत? यार देखिए मैं सबसे पहली चीज़ तो बताऊं कि ये जो हमारे यारिन भाई है ना, हम इनसे आज से ही बनवा रहे हैं और एक अच्छे से बनवाते हैं, और इनके ऊपर मुझे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ होता है, इनके ऊपर यकीन होता है कि यार ये खाना माशाल्लाह सही बनाते हैं और सारी चीज़ें किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, सबने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तारीफ की और सारी चीज़ें की, तो ये खाना बहुत अच्छा बना माशाल्लाह, और कॉकटेल वगैरह भी बहुत अच्छा बनाया, तो अल्लाह ने इनके हाथ में और लग देते थे, ठीक है। सब लोगों ने माशाल्लाह तारीफ की खाने की, जज़ाकअल्लाह। आइटम बताइएगा क्या क्या था आइटम? आज जो था हांगकॉन्ग का और चिकन टिक्का था, इसके अलावा चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी, और फ्रूट कॉकटेल था, रायता सलाद था, और रायता बहुत अच्छा था यार, रायता भी माशाल्लाह आउट स्टैंडिंग रायता। बिरयानी आपने खाई, कढ़ाई खाई है, टिक्का खाया, तो कढ़ाई मुझे आज वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कढ़ाई और कॉकटेल जो है ना जो मुझे पसंद आया वो बहुत पसंद आया, रियली बहुत बहुत जबरदस्त। अब अभी खा भी रहे? हाँ माशाल्लाह अभी बस आप अब यार मैं अपने सेठ भाई अभी खा भी रहे अभी ना। हाँ असल में सेठ इससे दिल नहीं होता बस माशाल्लाह, ये जो ना ऐसा बनाया हुआ है कि फूल बनता है ये आइसक्रीम में, हाँ समझे आइसक्रीम है एक तरीके की, तो ये बार बार खाने का दिखा रहा है। चलें जी फिर अपनी वीडियो का करते हैं जी इख्तिताम, तो इंशाल्लाह आप तमामी दोस्तों से जी फिर दोबारा मुलाकात करेंगे एक न्यू वीडियो में, तो इंशाल्लाह आप तमामी दोस्तों से फिर मुलाकात। तो ये अभी लग रहा है जी ये घर वालों का जो है खाना, चलें फिर इख्तिताम करते अपनी वीडियो का, इंशाल्लाह आप तमामी दोस्तों से फिर मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा जी, हमें दो में रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।